गाइस, वेलकम टू माय चैनल सी आर्ट एंड टिप्स। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं दो ऐसी हेयर स्टाइल जो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस हेयर स्टाइल में सबसे पहले आपको करना है साइड पार्टीशन। अब आप एक साइड से ऐसे लास्ट से कुछ बालों को लीजिए और उन्हें ट्विस्ट कीजिए। आप चाहें तो इनको पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लें बालों को, फिर ट्विस्ट करना स्टार्ट करें। तो आपको कुछ इस टाइप से ट्विस्ट करते जाना है बालों को। तो जब आप ट्विस्ट करते करते अपने गान के पास तक पहुंच जाएं, तो इन्हें आप अच्छे से सिक्योर कर दें। तो अब जो बाल बचे हुए हैं उनके साथ में भी हमें सेम करना है। कुछ बालों को लीजिए और उन्हें ट्विस्ट कीजिए, फिर दूसरी लेयर लें, उसे भी फर्स्ट वाले लेयर के साथ में ट्विस्ट कर दीजिए। तो ये प्रोसेस भी आपको लास्ट तक करनी है और लास्ट में इनको आपको अच्छे से सिक्योर कर देना है। तो इसके बाद क्या करना है, अपोजिट साइड से जिस साइड आपने डिज़ाइन बनी आई है उसके जस्ट अपोजिट साइड से बालों की आपको एक लेयर लेनी है और उसको आपको 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनानी है। अपनी आप इस ब्रेड को भी लास्ट में है ना आप रबर बैंड से सिक्योर कर दें ताकि ये ख़राब ना हो। और क्या करना है, ये जो डिज़ाइन है ना उनके जस्ट बीच से इस वाली ब्रेड को ऐसे फिक्स कर देना है। हो गई ना आपकी 2 मिनट हेयर स्टाइल तैयार। तो इस वाली हेयर स्टाइल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना है बालों का मिडिल पार्टीशन। इसके बाद एक साइड से आप बालों की एक लेयर लीजिए और उसे 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट वाली लेयर को सेकंड वाली के ऊपर से क्रॉस कीजिए जिससे वो बीच में आ जाएगी। उसके बाद थर्ड वाली को उसके ऊपर से क्रॉस कर देना है। ये वाली प्रोसेस आपको 3 बार रिपीट करना है। जैसे आप ये वाली प्रोसेस 3 बार रिपीट हो जाती है तो बस आपको क्या करना है, जो बाल बचे हुए हैं उनकी बनानी है 3 स्ट्रैंड ब्रेड। तो 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनाने के बाद जहाँ आपको है ना क्लिप से हेयर स्टाइल को पहले सिक्योर करना है फ्रंट में ही, जहाँ पर वो आपकी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ब्रेड बनाई है ना उससे बनाना है एक फ्लॉवर। फ्लॉवर कैसे बनाते हैं अपनी मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। बस आपको ऐसे राउंड राउंड करके फ्लॉवर बना देना है और उसके बाद क्या करना है, जहाँ पर आपने क्लिप लगाई है ना वहाँ पर आपको इसे यू पिन से सिक्योर कर देना है। तो सेम प्रोसेस को आपको दूसरी साइड भी रिपीट करना है। बालों की एक लेयर को लेना है, उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। फर्स्ट वाली को सेकंड वाली के ऊपर से क्रॉस करना है जिससे वो मिडिल में आ जाएगी, तो सेकंड वाली को उसके ऊपर से क्रॉस करना है। जब आप सेकंड टाइम ये प्रोसेस करोगे तो आपको आगे से कुछ बालों को ऐड करना है। तो ये प्रोसेस आपको 3 बार रिपीट करनी है।
तो बचे हुए बालों को आपको नॉर्मल ब्रेड बना देनी है और लास्ट में रबर बैंड से सिक्योर कर देना है। तो सिक्योर करने के बाद आपको वहाँ पे क्लिप लगा देनी है जहाँ पर आपको वो रोज़ फ्लावर चाहिए। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है, ऐसे अपने फिंगर की हेल्प लेकर राउंड राउंड बनाते जाइए और जहाँ पर आपने क्लिप फिक्स करी है वहीं पर आप अपने रोज़ को भी फिक्स कर दीजिए। आपको फिक्स क्यू पिन से करना है। और लास्ट में अगर आपकी जो बॉबी हेयर हैं आप उनको भी निकाल लोगे तो ये हेयर स्टाइल और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।